सब्सक्राइब कीजिए सिंपल एंड इजी क्लासेस को और स्टडी से जुड़ी अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाइए। सिंपल एंड इजी क्लासेस, आज की वीडियो रोहिलखंड विश्वविद्यालय और उससे एफिलेटेड सभी कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही खास होने वाली है। मेनली ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही खास होने वाली है जो कि बीए बीएससी बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं। इसके अलावा ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ही खास होगी जिन्होंने बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में अपना फॉर्म फिल किया है और जिन लोगों ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है। आपको बता दें कि आपके एग्ज़ाम्स 6 जुलाई से हैं और आपको सेंटर में अपने साथ क्या क्या चीज़ें लेकर जानी हैं वो ज़रूर देख लें। विदाउट इसके आपको एंट्री नहीं मिलेगी और आपका जो फॉर्म भरना है वो बेकार हो जाएगा। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें जिससे जो भी अपडेट्स हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बीए बीएससी बीकॉम यानी कि यूजी के स्टूडेंट्स की। आपको बता दें कि आपकी जो एग्ज़ाम स्कीम है उसमें चेंजेस किए गए हैं। वो क्या चेंजेस है चलिए देख लेते हैं। परीक्षा में यह किए गए हैं बदलाव, 28 जून को तृतीय पाली में बीए तृतीय वर्ष के फारसी की परीक्षा अब 1 जुलाई को होगी। जिन स्टूडेंट्स की 28 जून को परीक्षा थी वो भी तृतीय पाली में यानी कि 3 से 6 के बीच जो पाली होती है उसमें बीए थर्ड ईयर की जो फारसी की परीक्षा थी वो अब 1 जुलाई को होने वाली है। इसके अलावा 4 जुलाई को प्रथम पाली में बीए प्रथम वर्ष की उर्दू की परीक्षा 19 अगस्त को होगी और 13 जुलाई को तृतीय पाली में बीए तृतीय वर्ष की उर्दू की परीक्षा 26 अगस्त को होगी। 15 जुलाई को तृतीय पाली में बीए और बीकॉम की एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स की परीक्षा 16 जुलाई 15 जुलाई वाली जो परीक्षा है वो 16 जुलाई को होगी और 18 जुलाई को तृतीय पाली में बीए तृतीय वर्ष उर्दू की 27 अगस्त को होगी। 18 जुलाई को होने वाली जो परीक्षा है वो 27 अगस्त को होगी और 20 जुलाई को बीए तृतीय उर्दू की जो परीक्षा है वो 29 अगस्त को होगी। आप यहां से अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर अपनी एग्ज़ाम स्कीम को ठीक से देख लें कि किस दिन आपका कौन सा एग्ज़ाम था और वो अब किस दिन होने वाला है। बाद में पछताने से अच्छा है कि आप अभी से ही अपनी एग्ज़ाम स्कीम को ठीक से देख लें। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब बात करते हैं हम बीएड के स्टूडेंट्स की। तो आपको पहले से ही मैं अपनी वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपका एग्ज़ाम 6 जुलाई को है और आपका जो एडमिट कार्ड है वो भी जारी किया जा चुका है और आप इसे किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं इस पर भी हम वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। बात करें कि आपको क्या क्या लेकर जाना है तो आपको अपने साथ क्या क्या लेकर जाना है वो सुन लीजिए। प्रवेश पत्र में दिए गए केंद्र पर ही परीक्षा देनी होगी, केंद्र में कोई भी बदलाव संभव नहीं होगा। यदि अभ्यर्थी दूसरे केंद्र पर परीक्षा देता है तो उसका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त माना जाएगा। अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र की 2 प्रतियाँ लानी होगी, उसके साथ फ़ोटोयुक्त कोई वैध परिचय पत्र यानी कि आप उसके साथ आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी, इनमें से कोई भी एक चीज़ साथ ज़रूर लेकर जाएं। इसके बिना आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। इसके अलावा आपको 2 अतिरिक्त फ़ोटो भी ले जाना होगा। 2 फ़ोटो आपको एक्स्ट्रा ले जाने होंगे। जो फ़ोटो आपके उसमें लगा हुए हैं एडमिट कार्ड में वो तो होंगे ही होंगे। इसके अलावा आपको 2 फ़ोटोज़ और ले जाने हैं। साथ ही साथ आपको अपना एक पहचान पत्र लेकर जाना है, चाहे वो आपका आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी हो सकता है। अभ्यर्थी को फ़ोटो लगी हुई हस्ताक्षरित प्रति कक्ष निरीक्षक को देनी होगी। इसके अलावा जो आप वहाँ पर 2 प्रवेश पत्र निकाल कर ले जाएंगे उसमें से 1 प्रश्न पत्र आपको निरीक्षक को देना होगा। आई होप कि आपको किसी भी तरीके की कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए जिससे इस तरह की जो भी अपडेट्स हैं हम आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।